दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स को लेकर यहाँ पर आज के दिन हमें एक बड़ी अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रही है, और ये जो अपडेट्स निकल कर आई है ये अल्टीमेटली सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज को लेकर यहाँ पर निकल कर आई है, जिसका इम्पैक्ट आपको टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस के सेकेंड हाफ के ऊपर देखने को मिलने वाला है। यानी कि अगर आपने टाटा मोटर्स के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पज से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये जो न्यूज़ निकल कर आई है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आपको शेयर मार्केट की हर छोटी बड़ी अपडेट्स कंटिन्यूसली बेसिस पर प्रोवाइड करी जा रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की जो रिपोर्ट आज के दिन निकल कर आई है उसके बारे में। लेकिन उसके पहले हम लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन हमें 1 आवर का ट्रेडिंग सेशन देखने को मिला था, जिसमें टाटा मोटर्स की अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो लगभग 1% की यहां पर हमें अपवर्ड के मूवमेंट इस शेयर के अंदर देखने को मिले थे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस शेयर के अंदर हमें 50% अबव डिलरेबल बेस काम मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर देखने को मिला था, जिसके चलते एक चीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है कि टाटा मोटर्स को लेकर रिटेल इन्वेस्टर ही नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड और जितने भी बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें अग्रेसिव इस शेयर्स को लेकर देखने को मिलते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि किंग कार्स को लेकर जितने भी मार्केट में अभी आपको कंपनियां देखने को मिल रही है, जिसमें टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस सबसे हाई लेवल पर आपको यहां पर देखने को मिल रही है, जिस कारण से डेफिनेटली आप इस शेयर्स को लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड करते हुए चल सकते हैं। अगर आप इसकी पास्ट परफॉर्मेंस भी उठाकर देखेंगे तो मैं पिछले अगर 1 ईयर के चार्ट की बात करूँ, जिसमें पिछले 1 मंथ में इस शेयर्स ने लगभग 28% तक के रिटर्न और पिछले 1 ईयर में 247% तक के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना कर दिए हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही है, इसकी JLR की सेल्स को लेकर हमेशा से बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतें हुई है, लेकिन फाइनली यहाँ पर आज के दिन जो हमें बड़ी अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रही है, कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स की जो परफॉर्मेंस आपको इंडियन के साथ साथ यानी कि इंडिया के साथ साथ जो बाहर की कंट्रियों में JLR की परफॉर्मेंस में दिक्कतें देखने को मिलती थी, अब वो कहीं ना कहीं दूर होते वे हमें देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको उस रिपोर्ट की तरफ ले चलता हूं जो आज ही के दिन निकल कर आई है। उस रिपोर्ट को बनाने के पहले मैं आपको सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि टाटा मोटर्स ने अपने Q2 के रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं, जिसमें कंपनी ने 4441 करोड़ रुपये का यानी कि 4441 करोड़ रुपीज़ का नेट लॉस Q2 के अंदर डिक्लेयर किया है। लेकिन इस लॉस के पीछे जो सबसे बड़ी वजह बनी है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, JLR सेल्स प्लम्पेट यानी कि JLR की जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, जिस कारण से यहाँ पर ये इम्पैक्ट हमें जो कंपनी ने Q2 के अंदर इतना हैवी लॉस डिक्लेयर किया है उसके पीछे का मेन रीज़न यही है। अब इस रिपोर्ट को, इस न्यूज़ को मेरा बताने का रीज़न ये था, आज के दिन जो अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई है, सबसे पहले अपडेट कंफर्म कर सकते हैं 7 नवंबर की ये न्यूज़ है, जो कि अभी इवनिंग सेशन में ही हमें देखने को मिल रही है, जिसमें JLR एक्सपेक्ट्स ग्रेजुअल रिकवरी इन सेमीकंडक्टर सिचुएशंस टू बिगिन इन सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के फर्स्ट हाफ के अंदर हमें जो सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज थी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, जिस कारण से कंपनी की जो नेट सेल्स थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन हुई थी। यानी कि इंडियन परफॉर्मेंस तो टाटा मोटर्स की काफ़ी अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें वहाँ पर JLR की परफॉर्मेंस के कारण कंपनी को हैवी लॉस यहाँ पर बियर करना पड़ा था, जिसको देखते हुए टाटा मोटर्स ने Q2 के अंदर इतना हैवी लॉस डिक्लेयर किया था। लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के माध्यम से हम ये अनुमान लगा सकते हैं, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टाटा मोटर्स की Q3 के और Q4 के जो नंबर्स आने वाले हैं JLRs के, उसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अभी के टाइम पर जो सबसे मेन इश्यूज़ यहाँ पर जितनी भी ऑटो मेकिंग कंपनियाँ उनको यहाँ पर बियर करने पड़ रहे हैं, जिनको यहाँ पर हैंडल करने पड़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है प्राइसेस, जो कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिस कारण से जो आप कह सकते हैं कि पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल्स के प्राइसेस भी कंपनियों को इनडायरेक्टली इंक्रीज़ करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइसेस डिक्लाइन होते हैं, प्राइसेस डिक्रीज़ होते हैं और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज अगर दूर होती है,
तो यहाँ पर ये दोनों प्लस पॉइंट टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत गोल्डन वे में चल सकते हैं, गोल्डन चांस बन सकते हैं। रिपोर्ट आप कंप्लीटली डिटेल एनालिसिस भी कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स ओन जेगुआर लैंड रोवर एक्सपेक्ट्स द सेमीकंडक्टर शॉर्टेज सिचुएशन टू ग्रेजुअली स्टार्ट रिकवरिंग इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। द ब्रिटिश मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी इन द मीन टाइम विल कंटिन्यू टू टेक स्टेप्स टू कंटेन द इम्पैक्ट ऑफ द शॉर्टेज ऑन इट्स ऑपरेशन अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री में ये चीज़ देखने को मिल रही है आपको, सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज आपको कोविड के इम्पैक्ट के कारण सभी जगह देखने को मिल रही है। बात करें कि इससे आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, तो जैसा कि आपको पता है कि टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस अभी भी आपको एक बहुत अच्छे प्राइस लेवल पर अवेलेबल हो रही है, और अगर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,62,000 करोड़ रुपीज़ का है, यानी कि बहुत हैवी मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का है, एक लार्ज कैप कंपनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो इसका फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट देखा जा रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स जैसा कि आपको पता है कि ईवी डिवीज़न के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। लगभग रिसेंटली अभी के टाइम पर ही कंपनी ने टीसीबी ने यहां पर $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। टाटा मोटर्स ने खुद अपने ईवी डिवीजन के अंदर लगभग $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस हैवी इन्वेस्टमेंट के कारण कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज होने वाली है। लेकिन उन सबके बावजूद अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो ये रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रही है, साथ ही साथ वीकेंड्स के अंदर जितने भी टाटा मोटर्स को लेकर न्यूज़ निकल कर आई है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको कल की ट्रेडिंग सेशन में यानी कि मंडे की ट्रेडिंग सेशन में टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलने वाला है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि टाटा मोटर्स के अंदर कल आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मैं आपके साथ में पाइवोट लेवल शेयर कर रहा हूँ, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, और टाटा मोटर्स के अंदर अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ से टाटा मोटर्स को पिक करके चलना चाहते हैं तो इसके जो टेक्निकल लेवल्स यानी कि टाटा मोटर्स के जो RSI लेवल और मनी फ्लो इंडेक्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं वो पूरी तरीके से मिड रेंज में निकल कर आ रहे हैं ना, यानी कि शेयर्स अभी ना ही ओवरबोट जोन में है और ना ही ओवरसोल्ड जोन में है। तो यहाँ पर इस शेयर्स को पिक करने के लिए आपके पास एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी है। यदि आप इसे लॉन्ग टर्म पर्पज़ से पिक करना चाहते हैं तो भी आप डेफिनेटली इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हुए चल सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इसी ही इंपॉर्टेंट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।